हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कल क्या हुआ कि जो है रात में मैं सो पाया था 3:30 बजे। हुआ क्या कि फैमिली मैन का सेकंड पार्ट जो आ गया है तो मैंने सोचा कि देख लेता हूँ, तो उसके 5 पार्ट मैंने फिनिश कर पाए और टाइम हो गया था पूरे 3:30 बज गए थे। सुबह मैं इस वजह से लेट उठ पाया और टाइम हो गया है 10 बज गए हैं और लगभग आज मैं उठा था 9:30 बजे। और मैंने सुबह अपना क्या किया कि फ़ोन जो है स्विच ऑफ कर लिया था, रात में ही कर दिया था, नहीं तो क्या होता है कि सुबह सुबह जो है काफ़ी लोग कॉल करने लगते हैं तो उस वजह से जो है पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, नींद पूरी बेकार हो जाती है। मतलब 3:30 बजे सोया बट मेरी नींद जो है अच्छी तरीके से पूरी हो गई है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि जो है मैंने सो नहीं पाया अच्छी तरीके से। और वही अपना एप्पल साइडर विनेगर सुबह सुबह इंजॉय कर रहा हूँ, तो इस वजह से जो है उठने में थोड़ा सा लेट हो गया। और बाकी अभी थोड़ा सा काम है वो निपटाते हैं और उसके बाद में फिर जो है ब्लॉग को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। छूना मत, गर्म है बेटे। क्या है? हाँ। तो आज बनेगी ये बेसन की गट्टे की सब्जी, तो इसे जो है ऐसे ऐसे कट किया जाएगा। आपको काफी पसंद है ना ये वाली सब्जी? एक्चुअली अनी आज जो है अकेले काम कर रही है, बाकी लोग गए हैं बाहर, मुझे कट करने के लिए दिया है ये, इसके पीस जो है मैं कट कर देता हूँ और उसके बाद में वो हल्का सा इसे फ्राई कर देंगे, सब्जी बन जाएगी आराम से। तो इन्हें मैं कट कर रहा हूँ भाई। तो सारे पीसेस मैंने जो है कट कर दिए हैं, अब एक निकाल के दिखाता हूँ। एकदम जिस तरीके से नहीं सोन पपड़ी होती है, सेम जो है सोन पपड़ी की तरह लग रहा है। और इसकी सब्जी भाई साहब खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है, तो मैं तो इसे फ्राई करवाता हूँ हल्का सा और उसके बाद मैं खाता हूँ। आज ब्रेकफास्ट में इसे ही जो है खाया जाएगा। और ये मिस्टर जो है धूप में सोने में लगे हुए हैं, मतलब इन्हें सुबह शाम धूप बारिश कुछ भी हो सोना। चलो सो जाओ। थैंक यू। साथ में ये बन रही है, ये किस चीज़ की सब्जी? बीन्स है। बीन्स है? और ये बीन्स की सब्जी बन रही है, मतलब ये बीन्स नहीं है, लुक लाइक दैट, बट इसे और कुछ बोला जाता है, तो इसकी भी सब्जी बनेगी। क्या हुआ? जाओगी? क्या देख रही हो? इधर देखो पापा की तरफ। अच्छा हेलो बोल दो। हेलो पापा। हाय कर दो। हाय कैसे? हाय कर दो। बिल्कुल भी हाय नहीं करना, इनका कोई मूड नहीं है। गर्मी है तो गर्मी तो लगेगी भाई, है कि नहीं अक्षांश? अक्षांश को गर्मी नहीं लगती भाई। कल ये गए थे शादी में, इन्होंने खूब जो है वहाँ रसगुल्ले खाए थे। नहीं थे रसगुल्ले? नहीं रसगुल्ले थे भी नहीं। रसगुल्ले थे लेकिन तो क्या खाया था फिर? वहाँ पनीर था, छोले थे और रायता था, सूखी सब्जी थी। और सबसे ज़्यादा क्या सही लगा था? पनीर और वो सूखी सब्जी। शादी वगैरह निपटाए रहो, तभी तो तुम्हारी शादी में कोई आएगा जब दूसरों की शादी में जाओगे। क्यों भाई, ये दूसरों की शादी में जाएंगे तभी तो इनकी शादी में लोग आएंगे। सही है। आज जो है लाइट नहीं आ रही है सुबह से और सनाया बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। फैन से इन्हें जो है बहुत पसीना आता है, मतलब इन्हें एसी में भी पसीना आता है, तो फैन से समझ लो कि इनकी क्या हालत होने वाली है। ये देखो पापा के पास बिल्कुल चिपक गई हैं। अब इन्हें बस यही है कि लाइट आ जाए, आराम से ये सो जाए। इनके सोने का भी टाइम हो गया ना, क्योंकि टाइम हो गया है लगभग 11:15 बजे हैं। अब 11 बजे इनका सोने का टाइम है, बट इन्हें जो है गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही है। आपको नींद नहीं आ रही है? इन्हें देखो मस्त एकदम सोने में लगे हुए हैं। आया हर चीज़ मुँह में मत रखो। कल जो है मौसम काफ़ी अच्छा था इस समय, बट आज जो है बहुत ज़्यादा धूप निकली है, मतलब एक दिन गर्मी एक दिन सर्दी। अरे मुंह में मत रखो, निकालो। खाने वाली चीज़ें मुंह में नहीं रखोगी, अभी दूध दे देंगे तो आप मुंह से बाहर फेंकोगी। तो अनी की जो है खाना बनाने में आज मैं मदद कर रहा हूँ काफ़ी, क्योंकि आज बेचारी अकेली फंस गई हैं, इस वजह से जो है अकेले खाना बनाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। और जो बेसन के गट्टे की सब्जी थी वो मैंने फ्राई कर दी है, थोड़ा सा ऑयल डाला, ज़्यादा नहीं है, करी पत्ता डाला, लहसुन डाला, हींग डाली ढेर सारी, काफ़ी टेस्टी लगने वाली है। तो अभी मैं इसे टेस्ट करूँगा। और बाकी ये वाली इधर थोड़ी बच गई है, इसे जो है इसकी जो है वो ग्रेवी वाला आइटम बनेगा, मतलब ग्रेवी वाली सब्जी बनेगी। और साथ में ये रही एक हरी मिर्च, हरी मिर्च जो है काफी बढ़िया लगी इसके साथ। तो
अभी मैं यहाँ पे जो है पावर हाउस में आया था, पीछे पावर हाउस है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि जो है मैं एक बार पहले एप्लीकेशन दे गया था, मुझे 3 फेज का कनेक्शन करवाना था और लोड थोड़ा ज़्यादा है तो उसके लिए मीटर वगैरह भी चेंज किया जाएगा। और पहले था 4 किलोवाट का, तो मैंने जो है अब 6 किलोवाट का करवा दिया है। बीच में लॉकडाउन पड़ गया, मैंने एप्लीकेशन दी थी लगभग 2 महीने पहले, तो बीच में लॉकडाउन पड़ गया तो इस वजह से काम हो नहीं पाया था। तो आज मैंने यहाँ पे जो है पेमेंट वगैरह जमा कर दिया है, तो उन्होंने कहा 2-3 दिन में जो है आपका मीटर लग जाएगा और लोड भी बढ़ जाएगा। तो आई होप कि जो है जल्दी से काम हो जाए, वरना बहुत दिक्कत हो रही है। और आज तो लाइट नहीं आ रही सुबह से, तो अभी मैंने यहाँ से पूछा भी था क्योंकि सप्लाई यहीं से जाती है, तो बता रहे कुछ लाइन में प्रॉब्लम हो गई, तो 1 घंटे में लाइट आ जाएगी। तो अब मैं फटाफट निकलता हूँ यहाँ से। आज यानी कि जो है काम करते करते हालत ख़राब हो गई बेचारी, अकेले पूरे दिन से जो है काम कर रही हैं। मतलब मैं तो सो रहा था क्योंकि मैं उठा था लेट, और ये उठ गई थी, कितने बजे उठी थी? 6 बजे। मतलब ये 6 बजे उठ गई, और उसके बाद में फिर इन्होंने पूरा मतलब घर की साफ़ सफाई की, और सारे कपड़े जो है ऊपर छत पे सूखने के लिए पड़े थे उन्हें नीचे लेके आई, फिर पूरा खाना बनाया सभी के लिए, पहले ब्रेकफास्ट बनाया फिर खाना बनाया, बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया, मुझे भाई इन पर तरस आ रहा है। और अब मैंने इनसे बोल दिया है कि अभी ना कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, शाम तक जितना भी काम होगा सारा मैं ही करूँगा। अभी हम लोगों ने जो है लंच भी नहीं किया है, और जबकि 2 बज गए हैं। तो अनी से मैंने बोल दिया है अब आपको नीचे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, सारा खाना वगैरह सब मैं ही यहाँ लेके आऊँगा, आराम से मस्त जो है सो जाओ। इनसे कह रहा हूँ कि आप बेड से मतलब उठो भी मत, यहीं खाना लाऊँगा खिला भी दूँगा इन्हें। और सनाया दूसरे रूम में सो गई है अपने चाचू के पास, क्योंकि वो भी बेचारी आज परेशान हो गई थी, अनी थी बिजी और मैं भी थोड़ा बिजी था तो टाइम ही नहीं दे पाए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ये थी कि लाइट नहीं आ रही थी सुबह, अब लाइट आई है तो एकदम मस्त हम लोग जो है पहले लंच करेंगे और उसके बाद में थोड़ी सी आराम करेंगे। आप दूध लेके आओ उसके लिए बोतल में, तब तक उसको लेके आते हैं। और मैंने भी आज जो है जल्दी नहा लिया है, वैसे तो मैं घर पे रहता हूँ शाम को ही नहाता हूँ, बट जो है गर्मी थी ज़्यादा तो मैंने सोचा कि नहा लिया। तो शाम को मैं कुछ काम से बाहर चला गया था, इस वजह से जो है आज शाम को ब्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं हो पाया है, और लगभग 7:30 हो गए हैं। इसके बाद में अभी जो है एक्चुअली वीडियो मैंने एडिट करना शुरू भी नहीं कर पाया है क्योंकि मुझे काम से बाहर जाना पड़ गया था। वैसे मैं सोच रहा था कि जो है शाम तक वीडियो एडिट कर लूँगा, तो अभी मैं जस्ट वापस आ पाया हूँ, तो फटाफट जो है मैं एडिटिंग में लग जाता हूँ। मेहमान लोगों को जो है डाइनिंग टेबल पर नहीं खिलाया जा रहा, ऑफिस वाला सेटअप बन गया ना। तो आज यहाँ पे क्या चल रही है, खिचड़ी या तहरी? तहरी है, चांद दिखा रहे तो खाली बैठो, खाली है। और इधर मेरा भी खाना आ चुका है। तो बाकी लोग तो जो है बाहर कॉट पे बैठ के एकदम बढ़िया, बाहर ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो वहीं जो है डिनर एंजॉय कर रहे हैं। उधर जगह नहीं थी तो इस वजह से मैं इधर आ गया हूँ। तो आज है कटहल और खिचड़ी, और ये थोड़ी सी मोटी वाली रोटी है, कटहल के साथ में ये अच्छी लगती है। बेटा अरे आप अपनी टंग क्यों निकाल रही हो? अरे नहीं जी बंद कर लो, क्यों निकाल रही हो? देखो देखे सनाया का मैंने अभी मुंह धुल दिया है अच्छे से, हाथ भी धुल दिए, इन्होंने खाना खाया था पूरा फेस अपना गंदा कर लिया था। डिनर हो चुका है और अब मैं जा रहा हूँ छत पे वॉक करने के लिए। तो आज का ब्लॉग यहीं करते हैं एंड, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बस दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मैं छत पे जो है वॉक करने के लिए चला गया जबकि गाड़ी जो है बाहर ही खड़ी हुई थी, तो मम्मी जी ने बोला, तो मैं जो है पहले मैंने सोचा गाड़ी अंदर खड़ी कर देते हैं, उसके बाद में आराम से जो है टहलेंगे। मैंने गाड़ी को अंदर लगा दिया है।